दिल्ली के पश्चिम विहार में आचार्य विजय सोलंकी के निवास पर हवन का आयोजन किया गया, जिसे आचार्य संदीप कौशिक शिवा साधिका महावेश्वर रूपा द्वारा प्रचारित किया गया। इस हवन का उद्देश्य कोरोना महामारी से बचने का है, जिसमें 108 महायज्ञों का आयोजन किया गया है। इस दौरान सभी ने मिलकर मंत्र उच्चारण भी किया। ये जो कोरोना काल में हमारा देश और पूरी दुनिया एक आपदा से निकली, जो इससे क्या हुआ कि हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं और बहुत अच्छे हमारी सिद्धियां हैं जिसको हम करके, महामृत्युंजय मंत्र है, इस तरह के कई तरह के मंत्र हैं जिससे हम कि इन आपदाओं से निकल सकते हैं, बीमारियों को ठीक करने के। परंतु हम क्या कर रहे हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता को उनके पीछे दौड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। अपने देश में जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने दिया हुआ है, देखिए आज हर दुनिया ने माना है कि हवन से जो है, कपूर जलाने से जो है, हमारे जो शुद्धिकरण होता है, जो कीटाणु होते हैं, हमारे जो समावेश होता है कीटाणुओं का हमारे वातावरण में, वो ख़त्म होता है। तो इसीलिए हवन का हम लोग कर रहे हैं कि हवन करके जो कीटाणु हैं ये ख़त्म हो, सनातन धर्म की जय हो, साधुवाद की जय हो, और जो हमारा देश और ये जो विश्व है कोरोना महामारी से मुक्त हो। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं से हर कोई जूझ रहा था। सारा एक भारत की बात ही नहीं, पूरा विश्व में त्राही त्राही हो गई थी। तो हमने देखा, लोगों को देखा, कोई खाने से तंग है, कोई वैसे तंग है, कोई रोग से तंग है। इतनी परेशानियों के बाद हमने जो शोध किया तो हमें यज्ञ से बेहतर कोई उपाय दिखा ही नहीं। एक सनातन की तरफ जोड़ने का बहुत इजी सिस्टम है कि जो हम अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि आप गायत्री से आहुति दीजिए या महामृत्युंजय मंत्र से, तो यज्ञ से आपके इतने काम हो जाते हैं, आपके घर में शुद्धि हो जाती है, और आप खुद एक छोटा सा यज्ञ हवन कुंड लेके अपने घर में अपने बच्चों को इस परंपरा से जोड़ सकते हैं। और हम लोगों का जो मोटिव था वो यही था कि हमारे बच्चों को मंत्र आए, मंत्र बोलना है, जब माँ बाप बोलेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। उद्देश्य हमारा ये है, इस वैश्विक महामारी में जो पूरा विश्व इस समय त्राही त्राही है, और जितने व्यक्ति इस समय इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन सबके लिए इस कोरोना काल में हमने 108 निशुल्क महायज्ञ का एक संकल्प शिव साधिका माँ विश्वरूपा जी के द्वारा हमने लिया। और इस संकल्प में हमारा 106वां यज्ञ आज जो है पश्चिम बिहार में आचार्य विजय जी के यहाँ पे है। तो इस आयोजन से, यज्ञ से क्या है, यज्ञ की परिभाषा ही यही है, यज्ञ का जो धुआं होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।